दोस्तों, कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल मीठा होता है लोग पत्थर उसी को मारते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सजाद सर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बल्लापुर क्लासेज में वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 से कुछ सवाल बताने वाला हूं, जो इस प्रकार है। ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। सवाल आपका है 65 और 117 के SCF को 65M माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 65 और 117 का LCM भी ज्ञात करना है। यस, तो सबसे पहले 65 और 117 का गुणनखंड करेंगे, 65 का और 117 का गुणनखंड करेंगे इस तरीके से। फिर इसको काट देते हैं, 5 5 5 15 13। यस, अब इसको काटते हैं हम, 3 3 9 11, 2 2 27, फिर 3 9 27, 39 3 से कटेगा, फिर 3 1 9 3 3 3 9, 13 13 से ही कटेगा। यस, तो मेरा कितना आया है, 65 का गुणनखंड आया है 5 × 13, 117 का गुणनखंड आया है 3 × 3 × 13। यस, यहां लिखेंगे आप हल। तो जो गुणनखंड मेरा आया है 65 का बराबर 5 × 13, 117 का गुणनखंड आया है मेरा 3 × 3 × 13। एक लाइन नीचे ड्रा करेंगे, यहां पर लिखेंगे HCF बराबर, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF में उसी को लिखना है जो संख्या ऊपर है नीचे है, 5 ऊपर है 5 नीचे नहीं छोड़ दीजिए, 3 नीचे है 3 ऊपर नहीं है छोड़ दीजिए, लेकिन 13 ऊपर है 13 नीचे है इसको आप ले लीजिए 13। HCF मेरा आ गया है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 65 और 117 के HCF को 65M − 117 के रूप में दर्शाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां HCF लिखा है वहां पर आपको 65M − 117 लिखना है, बराबर आपका 13 है। यस, तो 65M बराबर होगा 13 इधर है, बराबर किस तरफ, अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन जब 117 को इधर लाएंगे बराबर के उस तरफ से इस तरफ, तो इसका साइन जो है बदल जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा 65M बराबर 7 3 10, 1 1 2 1 3, 130 आया है। जैसे आप M का मान निकालेंगे 130 यहां आएगा और जो 65 लिखा है यहां पर आ जाएगा। यस, 65 × 130 होता है, M बराबर 2। यम का मान ज्ञात कीजिए, यम का मान हमें पता हो गया है। उसके बाद सवाल में कह रहा है कि साथ ही साथ 65 और 117 का LCM भी ज्ञात करना है। यस, तो हम जानते हैं कि 2 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM। यस, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है। 2 संख्या आपके पास है 65 × 117, यह आपका संख्या इसमें है 65 और 117, बराबर लगाएंगे, लेकिन HCF जो मेरा आया है 13, यहां लिख दीजिए HCF के स्थान पे 13 × LCM। यस, जैसे आप LCM का मान निकालेंगे जो बराबर के इस तरफ है वो यहां जाता है 65 × 117, और जो उसका गुणज था यानी 13 वो यहां आएगा। 65 13 से कट रहा है, 13 5 65, यहां आपका LCM बराबर आएगा 5 × 117। LCM बराबर 5 × 35 होता है, 5 5 5 3 8, फिर 5 5 5, ये मेरा LCM आ गया है। यस,
ओके दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।